साबिक वाइस चांसलर मुजाहिद कामरान की हथकड़ी में एहतसाब अदालत पेशी का मामला नैब लाहौर के एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद रफ़ी को मुअत्तल कर दिया गया। एएसआई को भी मुअत्तल करने के लिए आईजी पंजाब को सिफारिश कर दी गई है। इस बारे में राहील सैयद हमें मजीद बताएंगे। जी राहील सैयद, और प्रोफेसर की गिरफ्तारी थी और खासतौर पर हर तरीके का जो मामला था उस पर बहस की गई। इस वाले के चेयरमैन की इंक्वायरी कमेटी थी, उन्होंने ये सिफारिश की थी कि एडिशनल डायरेक्टर मोहम्मद रफी को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए, जिससे उनकी मौतली के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जबकि इजलास में ये भी कहा गया है कि एएसआई को भी मुअत्तल करने के लिए आईजी पंजाब को जो लेटर लिखा जाएगा। इस हवाले से पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर से मुस्लिम एक वक्त में भी चेयरमैन नैब लाहौर चेयरमैन नैब से मुलाकात की, जिस पर उन्होंने चेयरमैन नैब को अपने तहफात से आगाह किया। चेयरमैन नैब ने कहा कि भरपूर इंसाफ किया जाएगा और उन्होंने वक्त में जो है डीजी नैब लाहौर के खिलाफ चलाई जाने वाली मुहिम पर जो है ज्यादा क्रोध किया। इस हवाले से जो है चेयरमैन नैब ने जो मुजाहिद कामरान और दीगर प्रोफेसर से उनसे भी मुलाकात की, उन्होंने कहा कि आपके साथ इंसाफ किया जाएगा, लेकिन जो शवाहद मौजूद है उसकी रोशनी में जो उससे मुमकिन हो सका वो किया जाएगा। लेकिन चूंकि तहकीकत चली, इंक्वायरी चल रही है, इस हवाले से जो है आपके साथ भरपूर तावन भी किया जाएगा, इंसाफ भी किया जाएगा और किसी के साथ जाति नहीं की जाएगी। शुक्रिया राहील सैयद।